दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो अब पीआईबी ने क्लियर कर दिया है, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि ग्रुप डी में घोटाला हुआ है या 109 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, तो सबके लिए पीआईबी का आपको पता होगा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये मैं सबसे ऊपर दिखा देता हूँ, पीआईबी की न्यूज़ है, यहाँ पर देख लीजिए आप एक मिनट। ये pib.nic.in प्रेस का रिलीजमेंट हुआ है, इसमें आरआरबी के लिए एक खबर छपी हुई है यही नॉर्मलाइजेशन को लेके, और उन्होंने बोल दिया है कि जिसके भी मार्क्स हैं वो 126 मार्क्स हो सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स, इससे ऊपर किसी के मार्क्स नहीं हो सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं कि और क्या क्या दिया हुआ है इसमें। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो गलत धारणाएँ या लोगों ने जो गलत मार्कशीट बना के फेक मार्कशीट जो वायरल कर रखी हैं उसके बारे में दिया गया। फॉर लेवल वन रिजल्ट नो न्यू मेथड ऑफ रिजल्ट प्रिपरेशन वाज इंट्रोड्यूस, मतलब कोई भी नया रिजल्ट नहीं आने वाला है और ना ही कोई नया मेथड आएगा जिससे रिजल्ट दोबारा से आ सके। एज पर द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट्स नोटिफिकेशन मार्क्स सिक्योर्ड बाई द कैंडिडेट आर सब्जेक्टेड टू नॉर्मलाइजेशन। ठीक है कि नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ये जो मार्क्स दिए गए हैं अब हम डायरेक्ट अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। ऑन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स सिक्योर्ड बाय ए कैंडिडेट कैन बिकम मोर देन द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम पेपर। ये देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ बता दी गई है कि मार्क्स जो हैं 100 के प्लस भी जा सकते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब ये कैसे जा सकते हैं इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग नीचे देखिए इन्होंने बताया है। दिस मेथड ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज बींग, मतलब उन्होंने बोला है कि ये जो मेथड है नॉर्मलाइजेशन का लास्ट 19 साल से ये चल रहा है, 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, डायरेक्ट अपने काम पे आते हैं जो हमें बोलना है। ये फॉर्मूला दिया हुआ है उन लोगों ने और इसके नीचे यहाँ पे दिखाते हैं। देखो ये एक मिनट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि टोटल 152 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें जो मैक्सिमम मार्क्स बन रहे हैं या बन सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, तो वो आप ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया, द मैक्सिमम नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ एनी कैंडिडेट इन लेवल वन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज 126.13, एनी अदर मार्क्स हायर देन दिस इज द प्योर। मतलब उन्होंने कहा है कि अगर इससे ज़्यादा किसी के मार्क्स दिख रहे हैं आपको, 126.13 से अगर ज़्यादा किसी के मार्क्स दिख रहे हैं तो वो फेक है, हाईएस्ट मार्क्स इतने बन सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और ये आपको पता होगा कि सबसे पहले यूट्यूब पे सबसे पहले कितने बड़े बड़े चैनल भी हैं, लेकिन किसी ने आपको ये चीज़ नहीं बताई थी, लेकिन आप मेरी वीडियो प्रीवियस जाके देखो, मैंने सबसे पहले बता दिया था आप लोगों को कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा या तो 120 में से हुआ है या 130 में से हुआ है, तो आप खुद देख सकते हो क्या रियलिटी है। और लोगों को पता नहीं था लेकिन वीडियोस बननी थी व्यूज़ के लिए, और किसी ने बताया हो पहले तो आप कमेंट में बताओ कि हाँ भाई किसी ने तुमसे पहले ही बता रखा था, ठीक है। नहीं तो चलो फिर देखते हैं। ओके बाय, टेक केयर।